कर क्या दोनों के चाह में बोलू, अंतर क्या दोनों के प्रीता में बोलू, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी, एक प्रेम प्रभु गिरधर नगरी राधा के मन मोहन, एक रानी एक दासी दोनों हरि नाम की प्यासी, अंतर क्या हम बोलू, अंतर क्या दोनों के चाह में बोलू, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी। एक सुंदर बिरहा आप लोगों के बीच में, बिरहा का शीर्षक बा कलयुग और धर्मराज की परीक्षा। कलयुग कैसा युग है, इस युग में कैसे रहना चाहिए, बड़ी अनमोल बात हो। ये बिरहा की सुनैया भैया लोग जे भी सुनी, मन मिजाज बनाए कि पूरा कहानी सुनी तब भी मजा आई। कलयुग और धर्मराज की परीक्षा, भूमिका में भाव लगल। स्वप्न एक देखे है धर्मराज, अरे दिखाए है कली महाराज, धर्म अब नहीं बचेगा होगा मेरा राज, आशा ना विश्वास बाप। बिरहा आप लोगों की जरूर पसंद आई। बाबू हो धर्मराज युधिष्ठिर सपना में सपने के देखे हैं धर्मा धर्मराज, दिखाए हैं कली महाराज, धर्म अब नहीं बचेगा होगा मेरा राज। सपनवा में धर्मराज युधिष्ठिर अपने कक्ष में सुतल हुन, सपना हर एक इंसान देखेला बाबू। रात के देखलन कि कलयुग का चढ़ाई बा और द्वापर का अंत बा, चारों तरफ अधर्म ही अधर्म, कोई धर्म के नाम पर नहीं चल रहा है, कोई अच्छी बात नहीं सुन रहा है, चारों तरफ मार काट बा। यह देखो तुम तुमने झुआई के उठना उठ के बैठ गई, बताओ जला कि बाजी बाजी सपना बहुत सच भी होला, क्योंकि वो धर्मराज थे। तटेरी में भाव लगल भैर के आगे, अरे की सपनवा कै सकार बतिया, अरे सपनवा कै सकार हो, सपनवा कै सकार बतिया, अरे सोच धर्म राज दिल नाया चयनवा, अरे चयनवा सपनवा कै सकार बतिया, सोच धर्म राज दिल नाया व चयनवा। सोचा तुन की सपना हम सही देख ली कि झूठ देख ली, यह बतिया कह के उठ के बैठलन। आ सपना में देखने कि हमारे चारों भाई जंगल में शिकार खेलने के लिए चल दिए, अर्जुन भीम नकुल सहदेव जंगलवा में जब गईलन है, एक ठे साधु बाबा उन्हें यानी कि फंसा लेलन। इस सपनामा में देखा तुम जब वही उठ के बैठना आ आए कि देखने सबके कोई अपने कमरा में ना बाब, सब भैया की डरन कि भैया न जाना हमन शिकार खेल चल देवल जाए। जंगल में चारों भाई जब शिकार खेल चलन हुन तो बिरहा में कलेन तर्ज लगल, बा बा बा
तुहा लगल कौनो लड़की के गौना हो गल अपने ससुराल में गई बा। ससुराल से जब अपने मायके में आई सखी सलेहर पूछत है का हो कैसन तुहार परिवार कैसन गांव कैसन देहात है। कलस की पूछा सुमत ने तो मन करत था फिर चल जाइए। यह कहलस तालाबा तलहिया बा तालाबा तलहिया बा नदिया में नहीं आबा 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 रहिया में अमवा का छाव। हे सखिया बड़ा नीक पियाजी का गाँव। हे सखिया कलत की जय दिन रहनी मजे में बितवली जय दिन और ससुरा में सखिया हो बड़ा सुख पवली की बड़ा सुख पवली मुदैया बाम सबसे मितैया बाम कोई ना मुदैया बा सबसे मितैया बा सब ही से सब कर मिलाओ। हे सखिया बड़ा नीक पिया जी का गाँव। हे सखिया इतना तर्ज रहल लेकिन चारों भाई जब जंगलवा में गलहुन शिकार खेले बदे गजब चीज देखलन का। रात का समैया बाप बड़ा दुख दैया बाप रात का समैया बाप बड़ा दुख दैया बाप रात का समैया बाप बड़ा दुख दैया बाप और सपना देखलन धर्मराज। ए भैया कलयुग कलाय गइल राज। ए भैया कलयुग सपनवे में सारी बात के देख लेने की कलयुग कब चढ़ाई हो द्वापर के अंत हो। अरे चारो भैया जंगल का कर दलन पयनवा खेलने शिकार चले चारो बलवनवा हो चारो बलवनवा खेलने अरे कल जुग मुदैया बा करत घटैया बा चल जुग मुदैया बा करत घटैया बा दिन में कर लाय पघार। ए भैया कल जुग कलाय गइल राज। ए भैया जंगल में चारों भाई जब गइलन तो गजब चीज देखलन। एक ठे देखलन कि साधु बाबा घोड़ा बड़ी सुंदर लेके वही रास्ता से जात हुन शिकार के आस में चारों भाई एकदम लखत हुन कि कहीं शिकार आ जाए तब लोग घोड़वा लग गल। साधु बाबा के संगे जब घोड़ा देखलन तो दौड़ के चारों भाई घोड़ा के पास गिनन कहन कि बाबा ये घोड़वा हमहन लख हमहन के जोग भाई घोड़ा अब साधु फकीर हुआ घोड़ा का करवा मालिक। साधु बाबा कहन कि सुना घोड़ा दे दे लेकिन पर चार गो शर्त मंजूर बा मंजूर है तो बोला कारण की कैसनो शर्त होगा पहले घोड़ा हमन के शर्त मंजूर है कारण की सुन ला ये घोड़ावा पर चारों जाने चार दिशा में जइबा आ जवन जवन चीज देखिया ओकर उत्तर हमके बतावे के हुई ना बतैबा ते पेड़ में बांध दे बोला मंजूर बा। भीम जी कलन की तब का बताओ जला कि बात का चुकल मर्द और डाढ़ का चुकल बंदर कोनो काम करना। ए भैया तब वही समय अर्जुन जी कहलन कि ना पहले घोड़ावा देखल जा हमन ला खो कि ना सुंदर तो है बा। तब विराम के लेन गीत लगल बड़ी सुहावन गीत हो माई बहन लोग मड़वा में दोपहरिया के टाइम जो
ओढ़ के सिलवा पर पिसली, वही समय गावलिन कैसे गावलिन, अरे की लाले रंग घोड़ावान लाले बाया सवार, दिला जानिया सखी कौने रंगे दुल्हा हमार सुना हो, दिला जानिया के सुना बाबा, अरे दे दातनी घोड़ावा घुमा के देखी चाल, साधु बाबा हो यह कलम, बाबा घोड़ावा के दे दातनी घुमा के देख ले कि दौड़त है कि नहीं, दे दातनी घोड़ावा घुमा के देखी चाल, साधु बाबा हो साधु बाबा, सरपट हाली हाली घिच चौफाल कमाल, साधु बाबा हो सरपट हाली, कारण की घोड़ा के देदा जब घोड़ा पर चढ़ना दौड़ना कुछ देश में जब सफलाई एड़ा सनसन सनसन जात हो, कारण की बाबा घोड़ा बड़ी पसंद बा, कारण ठीक बात है, चार प्रश्न ख्याल करा, घोड़ा पर चढ़ के बारी बारी से जा जाओ, पंच भैया लोग इबिरा ध्यान से आप लोग सुनबा तो एकर मतलब गजब मिली, अर्जुन जी पहला घोड़ा पर लेके उत्तर दिशा का तैयारी करन तो बिरहा में तर्ज लग गई, झाझर मारुआ जिन छा वही हा मोरे बाबा हो, लागल सूरज का जोत हो, झाझर भाव बड़ी सुंदर घोड़ा पर चढ़ के अर्जुन जी उत्तर दिशा का तैयारी केलन, तब कि घोड़ावासा जाके चलले, घोड़ावासा जाके चलले अर्जुन जवानवा हो, घोड़ावासा जाके चलले अर्जुन जवानवा हो, उत्तर दिशा खेलने सी कार हो, घोड़वा सजाए कि जब वही उत्तर दिशा में गैलन तो अजीब चीज देखलन, पंचो गजब चीज देखत हुन, का देखलन कि एक छोटकी पहाड़ी बड़ी पहाड़ी के दबाव थे, अरे छोटकी पहाड़ी आए गो अब बड़ी के दबाव, बाकी नीचे के धसल जाल हो, छोटकी पहाड़ी आए गो बड़ी के दबाव राना, छोटकी पहाड़ी आए गो बड़ी के दबाव राना, बड़की नीचे के धसल जाए, देखले अजब घटना जिंदगी में वैसन चीज ना देखले रहलन, देखले कि छोटकी पहाड़ी एक ठे बड़ पहाड़ी के दबाव थे, बड़की नीचे के धसल जाते, अर्जुन जी करण की तो अजीब चीज बा भाई,
ऐसा जिंदगी में ना देखली। आगे हिम्मत ना पड़त है, घोड़वा घुमाए के अर्जुन जी महात्मा जी के पास आ गिलन। कलन की का देखला एकदम रोवा गिरौले हो। कलन की सरकार गजब चीज देखली। तो कलन की बतावा तो बिराह में के लाइन फेर गीत लगल। तो समय के बाद मन के छोटकी बहनिया गावलिन सो जब बहन के बड़की बहन के बिया पर जाई तो बड़ा भाव में बनौले हैं सो। जब मड़वे में भसुर आवलन तो गावत हैं कैसे मास्टर। हाँ हरे की नथिया लियाईला भसुर डिबिया में मुंह के नथिया लियाईला भसुर डिबिया में मुंह के अब खोल के दिखावाना तगारी दीप चुन के। चुप 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 फैलावे हटगिल भाई छोट पार्टी बाबा ने कल लाइन कढ़ौनी से तले बड़की को लाए के चाप देलस। कल से हट जो बड़की गाव थी कैसे हमार पढ़ा लिखा वाली बहन गाव थी कैसे। अरे कि धीरे धीरे हो भासू अरे धीरे धीरे हो भासू धीरे धीरे गीत रहल। लेकिन वो कलयुग बाबा साधु के भेष में अर्जुन से पूछत हो लेकिन चारों भाई ना जानत हो कि के हो तो जान तो जब महात्मा हुन। कल की बोले कल रात बेटा बोला समुझाई के अक्का तोहू देखला उतारा दी साजाई के। अर्जुन जी करण की सरकार हमरे नहीं खेवत। कल बतावा का देखला। कल की छोटकी पहाड़िया चाना बड़ी के दबाई के अभारिया चार राजा देखी भागी घबराई के। कलन की बाबा छोटकी पहाड़ी बड़ी पहाड़ी के दबाव उतरल। कलन की ओकर मतलब कलन की नहीं खेव तो चला लाइन में हो जा। बात में बाना लुवन पेड़ में अर्जुन जी बान गिरन भीम जी के पारी आई। अपने मन का रौकत हुआ कलन की अर्जुन थोड़ा हुआ ये भीम हुआ भीम जवन नया आई थे एक बार गधवा से सही कह दे। घोड़ा पर चढ़ा बदे बेकलायल उन भीम जी घोड़ा पर जब चढ़ना तो दक्षिण दिशा का तैयारी के तो बिरहा में फेर गीत लगल। एक कुल का मतलब बाद में मिली लेकिन जे भैया सुने ध्यान से तो तू है बाकी हम प्रीतियो अरे हम प्रीतियो हम प्रीतियो करतियो जानली और जिंदगी जवान हो गई हम प्रीतियो करतियो न जानली रहा गमत तो भी होए लेकिन एम बढ़ जाए भाव हो। भीम जी जब चढ़ल उन घोड़ा पर दक्षिण दिशा में चढ़ल तो चढ़ी के घोड़ा पर भीम जी जवनवा की खेलने शिकार चल दिए चढ़ी के घोड़ा पर
रहिया में पांच कुआ देखना रंगदार हो, पांचों का तमाशा यार, पांचों का तमाशा यार, पांचों का तमाशा। अरे पांचों का तमाशा देखना लगे यार हो, दक्षिण दिशा में गेलन भीम जी, पांच कुआं देखलन, चार कुआं मिल के एक कुआं के भर है, तो कुआं ना भर पाव, आ एक थे उल्टा फफा चारों के भर दे पानी से। कलन कह रहे भाई कौन चीज, एक तो मतलब है हमारे समझ में नहीं खाओ, अजीब बहुत चीज भाई, चार मिल के एक छे के ना भरा थो, सो एक थे मिल के चारों के भर दे, तो चार मिल के ना एक भर पाव, चार मिल के ना एक भर पाव, कि भीम जी जवान चल दिए, भीम जी नियर बजावा। तब कलन की घोड़वा की मुड़ोना भीम जी आ गिरन महात्मा जी के पास, एकदम जो हुमचत रहल एकदम सावधान हुवन, करण की का देखला भीम जी, करण की सरकार हम तो अजीब चीज देखली, कहले की ओकर मतलब, कहने की नहीं खाओत महाराज हाथ जोड़ो थे, कहने की तब लाइन में हो जा, पेड़ में भीमो जी बांध गेलन, नकुल जी के जब पारी आई ले तब पश्चिम दिशा के तैयारी कर दिलन, जब तैयारी केलन तो बिरहा में फिर गीत बदल गई, लेकिन भाव बड़ा सुंदर हो। अरे की एक वरिया गईली, अरे दूसरा वरिया गईली, तीसरे वरिया, अरे की तीसरे वरिया ना अब पहुंचे नकुल बाल करिया, तीसरे वरिया ना पहुंचे, पश्चिम में देखा एगो अरे भारी आचा राजावा पियता रहलीना, अरे पियता रहलीना, बड़ी अजीब चीज देखलन नकुल जी, का देखलन, पश्चिम दिशा में घोड़ावा पर चढ़ के बाबू गईलन, तो गजब चीज देखलन कि उल्टे बछिया के दूध ओकर मतरिया पियत बाबू, तो उल्टे गईया कि उल्टा बछिया के दूधावा पियता रहली ना, छियावा के दूध गाय पियत बा, कण कह रे भाई तो बड़ा अजीब का चीज बा, एकर मतलब का होई, ये उल्टे अपने मतारी के पिए के ते बछिया पियत बा, ओई जैसे घोड़ा मुड़ौने है आए गिलन, आए गिलन महात्मा जी के पास, बोले का देखला, कहले की सरकार हम तो गजब चीज देख लिया, देख ली कि बछियावा के दूध उल्टा गाय पिए थे, तो कहने एकर मतलब, कहले कि नहीं खेवत, कहना चला पेड़ में बांध गए ना तीनों जाने, प्रखंड विद्वान बेसास को जानने वाले जब नकुल जी का पारी आई है, नहीं सहदेव जी का, तो पूरब दिशा में तैयारी के लिए घोड़ा लेके, हाँ तब विराह में तरज बदल गई,
सरकारी अहिरे मोर बाल मुआ सड़किया चलला देहिया झारी आही रे मोर बाल मुआ। लेकिन एक भक्ति रस में भोर में गाओ जला जीव के कौने राम का तलाश है। एक लाइन हुक ले ला अरे कमन राम खोजे, अरे कमन राम खोजे, कमन राम खोजे, लूहो बाऊ रहिया कमन राम खोजे। नकुल सहदेव जी के जब पारी आई है पूरब दिशा में घोड़वा सजाए के जब चलल हुन तो गजब चीज देखलन। का देखलन? अरे कि समझ नहीं पावे, अरे समझ नहीं पावे, समझ नहीं पावे, लन हो चारो भैया समझ नहीं। लंगड़ा पल जो साता ठहर काने साता ठहर और तेरे राज में चार चरण अब तीन की होगी हानि। समझ नहीं पावे लन हो चार भैया। तीन पैर का लंगड़ा बैल चारों पैर बाद तीन एकदम बेकाबू है। एक पैर पर कैसे उठे उन्हीं आए के खड़ा हो ऊपर किसान बैलगाड़ी में नधले रहो के ऊपर मारे भाला से कूच कूच के खूनवा खून मचा दिले बा। देख के हृदय कांप गई। जब कांप गल आगे हिम्मत ना पड़ल कि इतना अन्याय आएगी ना घोड़ा के लेके महात्मा जी के पास। चारों भाई जब बांध गल उन बाबू हो धर्मराज युधिष्ठिर सारी बात ओझगे ले जानत रहन की तो बाबा के भेष में कलयुग हुवन। चारों भाई के फसौले हुवन। लेकिन जब ना एलन भैया लोग तब धर्मराज घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर चल रहा हूं आल्हा में भाव लगा। अरे कि सुतन मैं धरी मरा, अरे देख लन सपनवा, अचारो भैया लौटे ना खेल के सिका। सवार हो गए धर्मराज युधिष्ठिर। अब मारे क्रोध में क्रोध तना करन लेकिन भाई का आह बड़ी गजब होला हो।
घोड़े पर सवार होकर घनघोर जंगल में जब पहुंचलन, देखन कि चारों भाई पेड़ में बानल हुअन, झरझर झरझर रोवत हुअन। जब बड़का भैया धर्मराज के देखलन, चारों भाई फूफक के लगलन रोवे, कारण कि भैया आज हमन भैया बात में चुक गए भैया, नहीं तो हैसन साधु महात्मा के तमन कुछ जानी ला। कहलन की घबराए के बात ना, कौन है अपने को बलवान जो अपने को मर्द बनता है, सामने आ जा। इतना में कलयुग भेष में जोन बाबा जी रहलन सामने आ गिलन, कारण के अपने भेष के बदल जा बाबा, हमरे भैयन के काहे बदे फसौले हुआ, आप तो कलयुग महाराज है। इतना बतिया सुनन चारों भाई हक्का बक्का गिन के, रे बाप रे बाप, इतमन के संगे धोखा होगा। कारण की का बात बाप, कारण की सुना ढेर फड़फड़ैबा ना, तोहू के बांध देव चार प्रश्न बतावे कोई ओकर उत्तर। तब ले भीम जी बारे आवेश में ओकर कहने की, सुना ए बाबा जी, अगर ढेर बेकलैबा तब हमन के हस भरे होता, हमार बड़ भाई अमन भगवान जानेला, भैया की अगर कोनो एक बात कह देवा तो एकदम जबान काट ले। इतना पर भीम जी के एकदम क्रोध में लाल हुन, लेकिन धर्मराज बहुत शांति से बात किलन की, कलयुग महाराज चारों प्रश्न का जवाब दे के जाए, बारी बारी से सुनला, खड़ी में भाव लगल। अरे की बोले कनिरा, अरे अब समझाव के परी, अरे तो यही चारों के करनवा बताव के पा। कलयुग महाराज से कलन की ध्यान से सुनी हम, अजय भी सुनवैया भैया हुई ध्यान से कहानी की सुनी, बतावा धर्मराज चलत हुन। कले की छोटी बड़ी पहाड़ी जो की देखे अर्जुन भाई, जो छोटकी बड़की पहाड़िया देखलन जबन दबावत रहल, ओकर मतलब का हुई। छोटी बड़ी पहाड़ी जो की देखे अर्जुन भाई, तेरे राज में छोटी जातियां क्रम से ऊपर जाई। यही चारों का करनवा बताव के परी। कान खोल कर सुन लो कलयुग, तेरे राज में ऐसा होगा, छोटी जातियां भी राज करेंगी, तेरे राज में बड़ी जातियों का पतन होगा, नीचे दब जाई, छोटी जातियां भी राज करेंगी। और कल की जो उन चार ठे कुआमा देखलन भीम जी, एक ठे मिल के चारों के भर दे, आ एकर मतलब भल कि एक बाप के तेरे राज में एक बाप के चार बेटा, बाबू खियाए के पढ़ाए के कौनो कमाई कर के अपने बेटन के जियाए के जवान कह दहलन। जब बाबू का पेट भरे के भर तो ओकर मतलब यहा होई, चारों बेटा अपने में झगड़ा तकरार के कहे कि बाबू बड़का भैया में हो जाए, छोटका भैया में माई हो जाए। यही से बताओ जला कि बाट जाई घर अंगना पाई पाई बिरना, आ कैसे माई का सनेहिया बटल जाई बिरना। बड़ा भारी दुख होला तो कहना आदमी कि बाप रे बाप, आ जब तनी मनी दुख रहा तो कहे कि आय हो माई, तो माई बाप का जे मर्यादा रखला वह सपूत बेटा है। तेरे राज में ऐसा होगा, एक बाप का पेट भरना चारो बेटा दुश्वार कर देंगे। कल की तीन पैर का लंगड़ा बैल जो साता था हर कानी, बछिया का दूध पीती गैया ये था अतरज भारी, अरे तेरे राज में चार चरणी अब तीन की होगी हानि। अरे इज्जत और धर्म बचाव के परी, अरे यही चारों के करनवा बताव के पा।
की जो नकुल जी देखले बछिया का दूध पीती गैया ये था अचरज भारी। तेरे राज में बेटी का धन महतारी खाएगी और तीन पैर का लंगड़ा बैल जो सता था हरकानी, तेरे राज में चार चरण जब तीन की होगी। तेरे राज में चार चरण का मतलब चार वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, चार वेद, तीन वेदों का पतन हो जाएगा। कोई बढ़िया काम बढ़िया विराह अगर हो जाए तो कोई ना सुने के आई, कहीं नर्तकी का नाच हो जाए तो जब भीड़ लग जाई, कोई सत्संग सुनने से डर जाएगा, लेकिन जे संत का सेवा करी वही का उद्धार हुई। बताओ जला चारों जाने कही प्रश्न। धर्मराज एक का बेरी कुल दे के सब पर काम खत्म कर देलन। अरे तस्वरमा के सकार बतियाम, अरे तस्वरमा के सकार बतियाम, यादो घर भरन के तरजी लाता रनावा,